हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं सुनील टेक पॉइंट। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप एलपीजी सब्सिडी पता कर सकते हैं, किस खाते में कितने रुपए ट्रांसफ़र की जा रही है। साथ ही आपको बताऊंगा एलपीजी आईडी नंबर कैसे पता करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। एलपीजी आईडी पता करने के लिए आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं क्लिक हियर टू नो योर एलपीजी आईडी। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। जिस कंपनी का सिलेंडर आप लेते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको एलपीजी आईडी सर्च करने का एक प्रोसेस मिल जाएगा। सबसे पहले प्रोसेस है क्विक सर्च, उसके बाद दूसरा है नॉर्मल सर्च। क्विक सर्च में आपको मोबाइल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर नेम और कंज्यूमर नंबर टाइप करना होगा। नॉर्मल सर्च में आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के बाद कंज्यूमर नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद आपको कैप्चर कोड टाइप करने के बाद सर्च के बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे कि हम अपना स्टेट, डिस्ट्रीब्यूटर और साथ में कंज्यूमर नंबर टाइप कर लेते हैं। कंज्यूमर नंबर आपके पासबुक में मिल जाएगा, उसे टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको कैप्चर कोड टाइप करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद क्विक सर्च के ऊपर आपके एलपीजी आईडी नंबर पता चल जाएगा। साथ ही आप जान सकते हैं ये एलपीजी आईडी नंबर किसका है, उसका नाम भी शो कर देगा। इस एलपीजी आईडी को आप सेव करके अपने पास रख लीजिए या किसी कॉपी में उसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपना सब्सिडी पता कर सकते हैं कि आपका सब्सिडी किस बैंक में कितने रुपए ट्रांसफ़र की जा रही है। उसके लिए आपको ये तीन सिलेंडर में से किसी एक सिलेंडर में क्लिक करना होगा, जिस सिलेंडर का आप सब्सिडी जानना चाहते हैं। जैसे कि हमने इंडियन क्लिक कर दिया है, उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं गिव योर फीडबैक ऑनलाइन। गिव योर फीडबैक ऑनलाइन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक ऑनलाइन पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको कंप्लेंट करने का एक पेज मिल जाएगा। एलपीजी सब्सिडी पता करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है ये। सबसे पहले हम इसे डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे। उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना होगा। जैसे कि हम एलपीजी सब्सिडी पता करना चाहते हैं, उसके लिए एलपीजी पे क्लिक कर देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं सिलेंडर आकार में एलपीजी लिखा है। उसे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कंप्लेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सर्च करना होगा माई सब्सिडी, या सब्सिडी भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कैटेगरी आ जाते हैं। कैटेगरी के नीचे आप देख सकते हैं रूड बिहेवियर, उसके नीचे सब्सिडी रिलेटेड लिखा आ रहा है। सब्सिडी रिलेटेड पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे सब कैटेगरी आ जाएगा। जैसे कि पेज लोडिंग होने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं सब कैटेगरी के नीचे सब्सिडी नॉट रिसीव लिखा ऑप्शन आ रहा है, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, या जो एलपीजी आईडी आपने पता किया था उसे भी आप टाइप कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर एलपीजी से रजिस्टर है उसी मोबाइल नंबर को टाइप कीजिए, अदरवाइज आप एलपीजी आईडी नंबर टाइप कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को टाइप करने के बाद आपको कैप्चा देख सकते हैं कि आई एम नॉट अ रोबोट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे कि हम मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप अपना सब्सिडी देख सकते हैं, साथ ही आप अपना डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सब्सिडी के लिए एक बॉक्स आपको मिल जाएगा, जहां पे आप अपना सब्सिडी डिटेल चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप अपना डिटेल देख सकते हैं, जो भी डिटेल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने फिल किया था वो डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब्सिडी के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जितने भी टाइम पे आपने अपना सिलेंडर बुक किया था और जिस टाइम पे आपको अपना सिलेंडर मिल गया था, वो भी डिटेल आपको सामने दिखाई देगा। साथ ही आप देख सकते हैं कितने रुपए आपके खाते में ट्रांसफ़र की गई है और किस दिन को ट्रांसफ़र की गई है। अगर आपको अपना बैंक अकाउंट या बैंक नेम शो नहीं करता या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले आपको अपना इस सिस्टम को डेस्कटॉप मोड से हटाना होगा। डेस्कटॉप मोड से हटाने के लिए आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करने के बाद आपका पेज बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना बॉक्स पे आ जाना है, जहाँ पे आप सब्सिडी डिटेल देख रहे थे। उसके बाद आपको आपको अपना दोनों फिंगर यूज करने होंगे, तभी आप अपना डिटेल अप डाउन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको कैश मेमो पे क्लिक करने के बाद अपने दोनों फिंगर से लेफ्ट हैंड साइड पे पुश करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपके डिटेल
शो होते जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा डिटेल होंगे वो धीरे धीरे आप देख पाएंगे। इस तरह आप अपना बैंक नेम भी देख सकते हैं कि किस खाते में आपके पैसे ट्रांसफ़र की जा रही है। साथ ही आप कंप्लेन भी कर सकते हैं और कस्टमर केयर द्वारा फास्ट रिस्पॉन्स किया जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कीप वॉचिंग सुनील टेक पॉइंट।